जंतर मंतर पर खिलाड़ी हैं वो बैठे हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ, उसको किस तरह? देखिए, जो उन्होंने आरोप लगाए बड़े गंभीर आरोप है, इनकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। हम मानते हैं कि जो भी इन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी खिलाड़ी से आपकी बातचीत हुई हो प्रदर्शन को लेकर? जो लगा ये प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, मेरी किसी से बात नहीं, और पहलवानों से मेरी बात हुई है, क्योंकि इनका मेरे पास कोई पहले फोन आना अब आना कोई क्या कार्रवाई चली, मेरे को आप लोगों के माध्यम से बातें पता चल रही है। जिस तरह से विनेश फोगाट ने संगीन आरोप लगाए हैं ब्रजभूषण सिंह पर, उसको किस तरह देखते हो कि इतने गंभीर आरोप लगाना कुश्ती जगत में कहीं ना कहीं शोक की बात हो? देखिए, बिल्कुल दुखद है ये चीज। देखो, कुश्ती नहीं, कहीं भी अगर कोई कहीं भी ये शोषण होता है, किसी महिला का, किसी का भी शोषण होता है, ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो ये लगा है तो बड़ा गंभीर है। इस पे सरकार को या जो भी है होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कोई भी है पहले भी ये चीजें, अगर ये चीजें पहले थी तो ये पहले से आगे आ जानी चाहिए थी। किसी खिलाड़ी से आपकी बात हुई जो प्रदर्शन पर कर रहे हैं वहां जंतर मंतर? एक तो पहलवान से वैसे बात हो, ये जो गए हुए हैं, और किसी से, इनमें से किसी से मेरी बात नहीं है, इनकी क्या मांग क्या नहीं, पर जो भी एक जो गंभीर जो मेन चीज है वो है यौन शोषण की। योगेश्वर जी, आप बीजेपी के नेता भी हो, बीजेपी के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से आपकी बातचीत हुई हो इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मेरी मंत्री जी से आज ही बात हुई थी अनुराग जी से, और वो शायद हिमाचल में है, वो आज आएंगे और आगे इस पे विषय पे पूरी बात देंगे, और एक जांच कमेटी भी बैठाएंगे और इस पे कार्रवाई करेंगे कि वो इसमें क्या चीजें हैं, क्या कहां पे खिलाड़ियों को दिक्कत है, उनकी दिक्कतें दूर करने की बात हुई है। विनेश फोगाट ने कहा कि आप फेडरेशन की गोद में बैठे हो, खिलाड़ियों के समर्थन में योगेश्वर दत्त नहीं आ रहे? अरे भाई, हम गोद में बैठने वाले नहीं है किसी की भी, क्योंकि हम अपने आप अपने खुद ईमानदारी से खाने रोजी रोटी खाने वाले इंसान है। कुश्ती छोड़ने के बाद आज तक मैं फेडरेशन में एक या दो बार गया हूँ, ब्रजभूषण जी से मेरी कुल एक या दो बार बात हुई होगी, किसी भी विषय में मेरी कोई बात नहीं हुई है। वो खुद मेरे को उसमें अभी जो वो टाटा का जो सपोर्ट किया था तब लेना चाहते, मैंने तभी मना कर दिया था, मां मेरे को नहीं, जो भी है बच्चों के जितना फायदा हो बच्चों की कीजिए, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, और ये चीजें कोई कहने कोई कुछ कह सकता है। और जिस तरह विनेश फोगाट आरोप लगा रही है, उसका कहना कि पांच लड़कियां हमारे बीच में बैठी हैं, जो कि अगर खेल मंत्री या खेल मंत्रालय इस पर जो जल्दी कार्रवाई नहीं करता, जांच कमेटी नहीं बैठाता है, तो हम उन लड़कियों को आगे लेके आएंगे। देखिए, जब तक सामने नहीं आएंगे जब तक उस चीज का कोई परिणाम नहीं निकलता, तो चाहे मुख्यमंत्री को, हमारे खेल मंत्री जी तक वो बात पहुंचे, या गृह मंत्री जगत, या प्रधानमंत्री जगत, एक बार वो चीजें तभी क्लियर होंगी कि आरोप लगाए हैं तो कैसे हैं, कहां तक उसमें वो है, और सामने तो आना पड़ेगा। आप भी काफी लंबे समय तक कुश्ती जगत से जुड़े रहे हो, कभी आपने ऐसा लगा हो कि दबाव में कुश्ती करनी पड़ी है? नहीं, कभी कभी नहीं, ये झूठी बातें हैं। ये भी अब खुद ही ये जो पहलवान जो यहाँ पे हैं, एक एक टाइम में ट्रायल, आप सबको पता है सारी बातों का, कि जो नंबर वन है उनकी एक ट्रायल अगर होती थी तो उनको बस फाइनल ट्रायल देनी पड़ती थी, वो चीज हम नहीं बोल सकते। हाँ, पर जो असली जो मुद्दा है, जो मुद्दा क्या जो आरोप लगा है, एक ही है बस, महिला यौन शोषण, महिला का सेक्सुअल हरासमेंट का, ये है, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस पे जांच होनी बड़ी जरूरी है। उससे अलग तो खिलाड़ियों ये कहीं ना कहीं इनको फायदे हुआ है, कहीं से भी घूम फिर के, चाहे बाहर जाने की बात हो, चाहे कोचिज की बात हो, चाहे फिजियो की बात हो, और मैं इसमें ना मेरे को फेडरेशन से कुछ मतलब, फेडरेशन को आज बंद करो, कल बंद करो, बिल्कुल बंद करो, क्योंकि मेरे को ना तो कुछ बनने का शौक कि मेरे को अध्यक्ष बनना है या मेरे को चीफ कोच बनना है, भगवान ने हमें, मेहनत की, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, और ना ये कि भाई मैं बड़ा पहलवान तो इसको हटके ये हटके मैं बनूं, ये चीजें नहीं है, ये चीजें अलग है। जो भी करना है सरकार को करना है, अगर और मैं जांच की जो बात है तो जांच सीबीआई से होनी चाहिए, जो आरोपी उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, योगेश्वर दत्त हमारे साथ थे, उनका कहना कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सोनीपत से पवन राठी आज तक।